सौर ज्वाला क्या होता है? आग की लपट होती है। कहीं जो ये सौर ज्वाला पृथ्वी पे आया क्या हाल होगा? ये डेली आता है सूर्य के ऊपर से। तो सोचो अगर वायुमंडल नहीं रहे, सौर ज्वाला क्या होता है? आग की लपट होती है। आग की क्या होती है? लपटें होती है। और ये सौर ज्वाला कहलाता है। इसका टेम्परेचर के संपर्क में अगर कोई आ गया तो जल के खत्म हो जाएगा। देखो ये सौर ज्वाला उठ रहा है कि नहीं? ये तो सूर्य दिख गया नीचे, ये तो कंप्लीट क्या हो गया? सूर्य। और ये क्या होगा? वो सौर ज्वाला क्या है? सौर। अब इसमें ध्यान से देखिए, आपको पृथ्वी दिख रही होगी, ये रही, ये क्या है? पृथ्वी। अब देखो सूर्य से पृथ्वी की तुलना करो, देख लिए? जिस पृथ्वी पे हम रहते हैं उसी की कोई औकात नहीं, तो उस पे रेंगने वाले हम लोग को कौन पूछता है? अब पृथ्वी, अब कहीं जो ये सौर ज्वाला पृथ्वी पे आया क्या हाल होगा? हाँ, जल के खत्म हो जाएगी कि नहीं? ये डेली आता है सूर्य के ऊपर से, डेली आग की लपट हम लोग के ऊपर आती रहती है, लेकिन वायुमंडल की जो बाहरी परत है उसको छिछला देता है। छिछलाने का समझते हैं मतलब? स्लिप कर देता है। जैसे पानी में तालाब में पानी नहीं होगा ना, तो ईंटा लेके, अब बचपन में आप लोग ईंटवा को ऐसे लेके ऐसे देखते हैं, उसमें ऐसे ऐसे निकल जाता है, नहीं किया आप लोग? जैसे आप लोग पानी में छिछला होंगे ना, वैसे ही आग जब पृथ्वी पे आती है तो क्या जाती है? छिछिल जाती है। वायुमंडल इसे बाहर कर देता है। तो सोचो अगर वायुमंडल नहीं रहे तो डेली किधर ना किधर ये ना आदमी फ्राई होते रहेगा, घूम रहे हैं धड़ाम से ऐसे फ्राई होके चल दिया है। तो वायुमंडल जरूरी है कि नहीं है? वायुमंडल बहुत ज्यादा जरूरी है हमारी रक्षा करने के लिए। ये वायुमंडल नहीं रहेगा ना तो हालत खराब हो जाएगा। अब जब ये हमारे ये वायुमंडल में प्रवेश करता है, अब जैसे देखो यहां से सौर ज्वाला उतरा है तो पृथ्वी के निचले भाग में दिखेगा, और अगर यही सौर ज्वाला यहां से उतरा होता तो पृथ्वी के ऊपर वाले भाग में दिखता कि नहीं दिखता? आप बताइए, दिखता कि नहीं? ऊपर वाले भाग में दिखता, नीचे वाले भाग में दिखता। तो इससे जब वायुमंडल से लौटता है ना, तो वायुमंडल में ये लाल रंग का नहीं दिखेगा, क्योंकि वायुमंडल में कई लेयर की गैसेज है, कई लेयर की गैस है। सबसे पहले तो हमें बादल दिखेगा, फिर ऐसे टकरा के जो लौटेगा तो रंगीन दिखेगा। कैसा दिखेगा? जिसे हम अरोरा कहते हैं। तो ये सौर ज्वाला है, सौर ज्वाला जब पृथ्वी के पास आता है तो रंगीन लाइट देता है, जिसे हम क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? अरोरा। क्या कहेंगे? अरोरा। तो सौर ज्वाला के कारण वायुमंडल में दिखने वाले रंगीन प्रकाश को क्या कहा जाता है? अरोरा कहेंगे। बड़ा सुंदर दिखता है अरोरा, देखो ये भले सुंदर दिख रहा है लेकिन है कितना खतरनाक, समझ में आ गया कि नहीं हम क्या कहना चाह रहे हैं? अब ये अरोरा बहुत अलग अलग कलर का, अलग अलग डिजाइन का दिखता है, बड़ा सुंदर दिखता है। देखिए ये सब क्या है? अरोरा है, बहुत सुंदर आसमान में दिखता है। आसमान में अचानक से इसे पूरा, और ये बादलों की तरह चलते रहेगा, रोशनी रोशनी, बहुत सुंदर लगता है यहाँ पर। लेकिन ये उन्हीं को दिख सकता है जो उत्तरी ध्रुव के पास रह रहे हैं या दक्षिणी ध्रुव के पास रह रहे हैं। तो ध्रुवों के पास दिखता है, तो ध्रुवों के पास जब दिखता है तो वहां पे तो वैसे ही अच्छा मौसम रहता है। देखिए पिकनिक मनाने गया है अरोरा के नीचे, देख रहे हैं क्या ये अरोरा, किसी को दिक्कत? तो ये अरोरा कहां दिखेगा पृथ्वी की? या तो उत्तरी ध्रुव पे दिखेगा या तो दक्षिणी ध्रुव। अरोरा अच्छा या खतरनाक? दिखने में अच्छा होता है लेकिन अगर उतर गया तो क्या हो जाएगा? खतरनाक।